वीवो X Fold 3 जो आज ही लॉन्च हुआ है, सुपर थिन इन डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल प्रोसेसर, सुपर कैमरा, प्रीमियम लेदर बैक एंड मैनी मोर। दोस्तों आज मैं वीवो X Fold 3 स्टैंडर्ड वर्जन का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो आज ही लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के सबसे पहले अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने के लिए हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से ही शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है वीवो X Fold 3 स्टैंडर्ड वर्जन। तो ये है वीवो की ओर से इस साल का फोल्डेबल फ्लेक्सी फोन। बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं और फोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। इस बॉक्स में कैमरा मॉड्यूल का सर्कल देख सकते हैं। यह है 80 वोल्ट का पावर एडाप्टर जो टाइप ए के आउटपुट के साथ आता है, और यह है टाइप सी टू टाइप ए डेटा केबल, और यह है प्रोटेक्टिव केस जो व्हाइट कलर में मिल जाता है, और यह लेदर टेक्सट के साथ आता है। बाकी इस केस की साइड्स ट्रांसपेरेंट मिल जाती है। तो ये है वीवो X Fold 3 फोन। फोन के प्लास्टिक को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन देखे तो स्क्रीन स्लाइटली ग्रीन मिल जाती है और इस बार फोन काफ़ी लाइटवेट एंड थीन लगता है। अब फोन का बैक देखे तो वैसे ये प्योर वाइट कलर नहीं है, यह वीवो X Fold 3 का स्टैंडर्ड वर्जन है। कैमरा मॉड्यूल में 3 कैमरा सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे ज़ाइस का लोगो भी मिल जाता है। वैसे ये वॉल बैक पैनल नहीं लगती है। राइट साइड देखे तो एंड में एल्यूमिनियम एलॉय स्ट्रिप मिल जाती है और इन दोनों मटेरियल को प्रोसेस करके स्प्लिश्ड किया है, और यहाँ से देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी पतला लगता है। अब क्रीज देखे तो अभी तो स्क्रीन में कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन टच पे स्लाइटली फील होती है। अब फोल्ड करके भी देख सकते हैं, फोन को फोल्ड करने के बाद भी होल्ड करने में काफी अच्छी फील मिल जाती है। इट्स कंफर्टेबल टू होल्ड विद अ सिंगल हैंड टू। राइट में पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर मिल जाता है और यहाँ पे म्यूट बटन भी मिल जाता है, और ये वन क्लिक म्यूट बटन है। बैक में इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे भी वीवो ज़ाइस का ब्रांडिंग मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल के ऊपर रिंग मिल जाती है और मिडल सर्कल में भी साइनी रिंग मिल जाती है, और बैक का मटेरियल और रिंग का मटेरियल डिफरेंट मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल देखे तो स्टैंडर्ड वर्जन में इतना बम्पी मॉड्यूल नहीं मिलता है, और यहाँ पे फोन में हिंज मिल जाती है जो काफी पतली है, और इस एंगल में भी फोन को देख सकते हैं काफी पतला मिलता है। प्रीवियस जनरेशन से कंपेरिजन देखे तो प्रीवियस जनरेशन थोड़ा थिक लगता है। फोन में अच्छी बात यह है कि फोन को किसी भी एंगल पे हो कर सकते हैं, और फोन को फोल्ड और अनफोल्ड करने की फील भी काफी अच्छी मिलती है, फील फॉर्म मिल जाती है। बस इस वीडियो में सिर्फ वीवो X Fold 3 स्टैंडर्ड वर्जन का अनबॉक्सिंग ही बताने वाला हूँ, डिटेल रिव्यू में कल अपलोड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिटेल रिव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों 1 अप्रैल को इंडिया में OnePlus Nord C4 लॉन्च होने वाला है, जिसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख लें। और दोस्तों आपको वीवो X Fold 3 की डिज़ाइन कैसी लगी? क्या इंडिया में वीवो को अपने फोल्डेबल सीरीज को लॉन्च करना चाहिए? ये भी कमेंट में जरूर बताया। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज और अगला गिव अवे सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले, और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।